प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में वियतनाम पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष के क्षेत्र में 12 समझौते हुए हैं। भारत और वियतनाम ने अपने सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने के संकेत देते हुए रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, दोहरे कराधान से बचाव और मालवाहक पोतों संबंधी वाणिज्य, नौवहन, सूचना साझा करने समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा क्षेत्र में दोस्ती बढ़ाने के लिए भारत ने $50 करोड़ के उधार का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी ने वियतनाम में अपने समकक्ष ग्वेन शुआन फूक के साथ बातचीत में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि हमारी बातचीत सार्थक रही, द्विपक्षीय वार्ता और सहयोग का हमारा कदम जारी रहेगा। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति पैलेस में जोरदार स्वागत किया गया। मोदी ने राजधानी हनोई में राष्ट्रीय स्मारक जाकर वहाँ के शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। दक्षिण चीन सागर मामले में चीन को झटका देते हुए भारत और वियतनाम के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो दोनों देशों के लिए काफी लाभकारी है। देखते रहिए टीवी लाइव।